वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक फिर से चैलेंज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। बाय टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज मैं दिन भर रात भर गर्मी में रहने वाली हूँ। जो मुझे कहता था कि पसीने से निकलता है, पानी से नहीं निकलता है, तो आज मैं फिर से पसीने में रहूँगी और देखूँगी, टेस्ट करूँगी कि मेरा मेकअप निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और आपको बता दूँगा, जब मैं इतनी ज़्यादा गर्मी में बैठी हूँ, लाइक आप समझ सकते हो कि ये जो गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी ना तो मैंने अपने कमरे का फ़ैन ऑन किया, ना तो अपने कमरे का एसी ऑन किया है। मैं बर्दाश्त करूँगी कि देखती हूँ मैं कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरा मेकअप कितनी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेकअप, उसके बाद पूरा दिन पूरी रात। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने NYB का सबसे पहले कंसीलर लिया है। और मेन आज जो मेरा NYB ही होने वाला, मतलब ये वन ब्रांड मेकअप आप बोल सकते हो। तो NYB का यहाँ पे कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया और यहाँ पे NYB का ही मैं यूज़ करूँगी, ये कॉम्पैक्ट। और गाइस ये बहुत पुराना, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। NYB का ही मैंने यहाँ पर सिंगल आई शेडो यूज़ किया। ये पिंक कलर का है और इसे मतलब ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, बहुत सेटल सा लुक देता है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया, डार्क शेड लूँगी, NYB का ही है। आउटर वी पे लगाऊंगी और इस तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। आप ये लुक ना बहुत, मतलब जैसे बारात टाइप जहाँ फंक्शन होता है, उस टाइप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने NYB के कंसीलर से कट क्रीज बना लिया और NYB का ही मैंने लिया ग्रीन कलर का ये लाइनर, और इसे एज अ बेस मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन का, ठीक है। आप इसे लाइनर की तरह भी, मतलब लाइनर है तो लाइनर यूज़ ही कर सकते हो। उसके बाद एक ग्रीन कलर का शेड लेकर मैंने इसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर इसे अच्छे से अप्लाई कर दिया। और सॉरी गाइस, मैं आउट ऑफ फोकस हो गई थी। यहाँ पे मैंने येलो कलर का शेड लिया है और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, और इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑरेंज शेड भी लगाया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद NYB की वाइट काजल है ये, और जहाँ पे मैंने कट क्रीज बनाया था उसके ऊपर लगा लिया, ताकि मेरी कट क्रीज थोड़ी सी शार्प दिखाई पड़े। NYB का ही मैंने यूज़ किया है ये आईलाइनर। ओह माय गॉड गाइस, ये लाइनर इतना, मतलब सैटन टाइप का जो होता है ना, उस टाइप का फिनिश देता है, मतलब एकदम वेलवेटी टाइप का फिनिश देता है ये आईलाइनर। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर वगैरह अप्लाई कर लिया अपना। फिर यहाँ पे मैंने NYB का ही कंसीलर अप्लाई किया। थोड़ा सा वाइट सा लग रहा है, लेकिन अभी एकदम सही हो जाएगा गाइज, ठीक है। और अवॉइड करिएगा फाउंडेशन अगर आपको बहुत देर तक अपने मेकअप को टिकाना है। तो देखते हैं आज NYB का मेकअप कितनी देर तक टिकता है। बहुत ही अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा मुझे लगता है, लेकिन मैंने कभी पूरा टाइम से ट्राई नहीं किया है, तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ। अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। NYB की कॉन्ट्रोलिंग मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और आप लोग को पता, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखते होगे, कि NYB की कॉन्ट्रोलिंग मैंने कितना यूज़ किया। हर वीडियो में मेरे NYB की कॉन्ट्रोलिंग होती थी, शेड था टोस्ट और ये टॉफी। ओके गाइस, तो कॉन्ट्रोलिंग मेरी हो चुकी है, अभी ब्लश की बारी आती है। तो आप लोग को पता है, ब्लश मैं हमेशा क्रीमी लगाती हूँ, मैं पाउडर वाला बहुत कम लगाती हूँ। और जब बात हो अफोर्डेबल की, तो मैं NYB ही आप लोगों को प्रेफर करती हूँ, कि NYB मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, मतलब कम अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 6 शेड हैं NYB के, तो चलिए आपको लगा के दिखाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि कैसे ब्लश अप्लाई करना चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। आज मैं यूज़ कर रही हूँ NYB क्रीम ब्लश। ये एक ऐसा लाइट वेट और हाईली पिगमेंटेड क्रीम ब्लश है, जो आपकी स्किन पर इजिली ब्लेंड होकर देता है एक ऑसम फिनिश। गाइस ये इतना अच्छा ब्लेंड होता है कि इसे आप एज अ ब्लश के साथ साथ आई शेडो और नोज़ हाईलाइट करने और अंडर आई कलर करेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये 6 डिफरेंट शेड में आता है, आप किसी भी स्किन टाइप के हो, ये आप पे सूट करेगा बहुत अच्छे से। तो गाइस, ब्लश अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आप कौन सा ब्लश यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छे एक अच्छे ब्रांड का ब्लश होना चाहिए, किस जगह पे यूज़ कर रहे हो, ब्लेंडिंग कैसे करनी है, ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि ब्लश एग्जैक्टली किस जगह पर लगाना चाहिए, कितना ब्लेंड करना चाहिए। हर फेस पे अलग अलग तरीके से ब्लश लगता है, जैसे कि मेरा फेस जो है ओवल शेप में आता है, मतलब हर किसी का शेप अलग अलग होता है, तो हर शेप पे अलग अलग टाइप से ब्लश लगता है। लेकिन अगर आप लोग का मेरी तरह ओवल टाइप में जो है शेप है, तो आपको मैं बता दूँ कि ब्लश कहाँ लगाना चाहिए। ओके गाइस, तो ब्लश कहाँ पर लगाया जाता है, जैसे कि मेरा फेस ओवल शेप में है, तो मैं जब ऐसे करूँगी, ये जो गड्ढा आया ना, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रोलिंग करनी है। उसके बाद कॉन्ट्रोलिंग के बाद आपको ब्लश लगाना है, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे
जो बोन है ना, ये बोन है ना, इसके ऊपर आपको लगाना, और ऐसा ब्लश लगाना कि आपकी कॉन्ट्रोलिंग छिपनी नहीं चाहिए, मतलब मर्ज नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रोलिंग भी पता चले कि हाँ यहाँ पे आपके कॉन्ट्रोल है और यहाँ पे आपका ब्लश है, ऐसा दिखना चाहिए आपको, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मर्ज भी हो और बहुत ज़्यादा मर्जिंग भी ना हो कि दोनों मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अभी चलिए टेक्निक बताते हैं। तो मेरा ओवल शेप है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, ये मैंने क्रीम ब्लश ले लिया है इन वाइबे का, बहुत ही प्यारा शेड है गाइज। तो ये मैंने लगाया अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ से लाते हुए यहाँ पे लाऊंगी, ठीक है। अब इसको ब्लेंड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ले लिया मैंने ब्रश और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हंसते हुए। ओके गाइस, तो अभी आप देखिए कितना प्यारा ब्लश लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रोलिंग भी दिख रही है और यहाँ पे ब्लश भी इतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे ना हल्का सा इस पर और थोड़ा सा रेडिश टाइप का चाहिए, पिंकिश टाइप का, तो ये वाला शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, और सारा शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इतना बहुत प्यारा शेड है गाइस, ये बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं हल्का सा और अप्लाई करूँगी, बहुत ही हल्का सा, बहुत ओवर भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना है। ओके गाइस, लोअर लैश लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया ऑरेंज कलर का शेड, मस्कारा लगा के आई मेकअप को फिनिश करूँगी, और ब्लश आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एन वाई बी का ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है आई शेडो एज अ हाइलाइटर, उसके बाद एन वाई बी की मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया है, ये पिंक कलर की है, बट इसके ऊपर मैं हल्का सा पर्पल शेड भी लगाऊंगी, एन वाई बी का ही है वो। ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। तो चलिए देखते हैं गाइज ये सस्ता वाला मेकअप कितनी देर तक टिकता है। गाइज तो अभी मैं किचन में आ गई, इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही है, मैंने एक्सटेंशन भी लगा रखा है, ठीक है। तो अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया और ये मेकअप करने में 2 घंटा लग गया मुझे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नाश्ता बना लेते हैं इसी गर्मी में, इसी आउटफिट में। आउटफिट अभी मैं आपको छत पे दिखाऊंगी अपना, जब मैं जाऊँगी अभी छत पे। ओके गाइस, तो अभी छत पे आ गई हूँ, धूप आप देख सकते हैं इतनी भयंकर वाली धूप है, और आज का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। धूप देखो आप कितनी ज़्यादा धूप है, यहाँ छाया में थोड़ा खड़ी हूँ लेकिन मैं खाऊंगी धूप में, ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, मैं धूप में ही खाऊंगी। गाइस मेरे घर का गार्डन इतना खूबसूरत है ना, मैं बता नहीं सकती, लेकिन जो जन मुझे छत पर देखेंगे कहेंगे ये पागल हो गई धूप में क्यों बैठी है, और धूप में मैं नाश्ता कर रही हूँ। अभी तो दोपहर में और धूप हो जाएगी यहाँ पर, तो भी मैं जल्दी से नाश्ता कर लूँ। सूरज आप देख सकते हो, फूल क्या सूरज की गर्मी है, और मुझे आज पूरा दिन छत पे ही रहना है। ओके गाइस, तो मेरा नाश्ता हो चुका है फिनिश, रिल्ला देख भी नहीं पा रही, नाश्ता हो चुका है फिनिश, अब मैं जल्दी से आपको पूरा लुक दिखा दूँ। और मेकअप की हालत अभी ठीक है, अभी तो आई हूँ तो अभी तो ठीक ही होगा। ओके गाइस, तो अल्लाह पाक का रहम, देखिए कि बदली हो गई है लेकिन गर्मी वैसे की वैसे ही है। तो ये मेरा पूरा लुक। ओके गाइस, तो अभी बदली हो गई है, बहुत अच्छी, मतलब ठीक है यार, इतनी धूप में तपिश थी, बदली हो गई, मज़ा आ गया। अभी खाना खा चुके हैं लेकिन अभी भी हल्का हल्का सा सूरज की धूप आ रही है, मतलब धूप आ रही है, ऑब्वियस सी बात है सूरज की ही आएगी, ठीक है। तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, पसीना और देख सकते हो पूरा पसीना भर चुका है, लेकिन मेकअप अपनी जगह है, मेकअप टस से मस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए गाइस, पसीना टपक रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। तो मतलब इतना अफोर्डेबल में इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये गाइस, ब्रश तो नहीं निकलने वाला मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन मुझे ये डर लग रही है कोई छत से देख ना रहा हो। ओके गाइस, तो धूप से बचने के लिए मैं यहाँ पे छाता यूज़ करूँगी ताकि मैं ब्लैक ना पड़ूँ इस वजह से। तो अभी मेरे छत पे धीरे धीरे धूप करके आ रही है, क्योंकि अभी जो है 12:30 के करीब मेरे छत पे पूरी धूप नहीं आती है, 2-3 बजे के करीब पूरी धूप आ जाती है। तो अभी 2-3 बजे की आएगी धूप, तो फिर
फिर क्या, वैसे गर्मी छत पे भी है, ठीक है, तो अभी मैं छाता लेकर उधर जा रही हूँ, थोड़ा सा पोज वगैरह करूँगी, थोड़ा सा इंट्रो वगैरह बनवाऊँगी, थोड़ा सा रील बनाऊँगी, ठीक है। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैंने भर भर के सनस्क्रीम लगाई, अगर मैं सनस्क्रीम ना लगाई होती ना तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती, और मेकअप तो मेरा टस से मस नहीं हो रहा। हाँ, उसके ऊपर से स्वेटिंग ज़रूर हो रही है लेकिन मेरा मेकअप नहीं निकल रहा है, तो उससे बचने के लिए मैंने छाता यूज़ किया है। ओके गाइस, तो अभी मस्ती वस्ती हो गई है, दोपहर हो चुकी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मैंने बहुत सारी रील बनाई है और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो जाके ज़रूर करिए। हाय, मेकअप मेरा बड़ा प्यारा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं खाना लेने के लिए। गाइस, तो अभी आप पसीने की हालत देख सकते हो, मतलब कि बहुत अच्छा ये मेकअप है, मतलब निकल नहीं रहा है, स्वेटिंग ऊपर आ रही, मतलब पसीना ऊपर आ रहा है लेकिन मेकअप मेरा नहीं निकल रहा है। मतलब टेक्निक होती है, अगर आप इसे रगड़ोगे ना तो पक्का निकल जाएगा, लेकिन आप इसे डैप डैप करके निकालोगे तो पक्का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी मैं आई हूँ दोपहर का खाना खाने के लिए, पसीने में लथपथ हूँ मैं एकदम, चेहरे पे जो शाइन देख रहे हो ना ये पसीना है। ये मेरा दोपहर का खाना बिरयानी, तो मैं इसे जा रही हूँ क्योंकि आज संडे है। गाइस, तो अभी मेरी बिरयानी गर्म हो रही है, मतलब क्या हो गया यार, मुझे मेकअप किए हुए 5-6 घंटा हो चुका है और ट्रस्ट मी गाइस, अभी मेरा मेकअप कहीं से भी नहीं निकला है, कहीं से भी नहीं निकला है। तो इस तरीके से आप मेकअप करोगे ना, सच में, मतलब कंसीलर लगाओगे, फाउंडेशन अवॉइड करोगे तो आपका मेकअप जल्दी नहीं निकलेगा। ओके गाइस, तो मेरे छत पे पूरी धूप आ चुकी है, मैं धूप में बैठी हूँ, मेरा पसीना देखिए यहाँ से बह रहा है, होठ से बह के पूरा बदन तर हो रहा है। खा लाओ, खाना दे दो यार, खाना खा ले, धूप में बैठ के काले हो जाना, आज रात को मैं टैन पैक ज़रूर लगाऊंगी नहीं तो एकदम ब्लैक पड़ जाऊँगी। पसीना बहुत निकल रहा है, कैमरे में उतना पसीना नहीं आ रहा, इतना निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा वाला है ना कि एक एक चीज़ें मेरा रोए देख ले। देखिए गाइस, खाना खा लूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस, तो मैंने अपनी बिरयानी फिनिश कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ फ़ोटो खिंचाने, थोड़ा सा पसीना आप देख लीजिए, पसीना दिख रहा है आप लोग को, चलो को। ओके गाइस, तो ये है मेरे मेकअप की हालत, एकदम नहीं निकल रहा है पसीना, एकदम तर है, मुझे ना उस टाइप का पसीना नहीं निकलता, एकदम तल 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 वाला जो बहता है वो मेरे ना अंदर से निकलता है, जो रिस्क निकलता है वो वाला पसीना मुझे निकलता है, वही निकल रहा है अभी मेरे, बहुत ही धूप लग रही है। चलो ठीक है, थोड़ी सी फ़ोटो तो खिंचा लूँ, मैं लगा दूँगी मैंने जो फ़ोटो खिंचाई होगी, ठीक है। गाइस, तो आप पसीना देख सकते हो यहाँ से बह रहा है, यहाँ से बह रहा है। शाम का टाइम हो चुका है, खाना वाना खा के फ़ोटो तो खिंचा लिया हमने और बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ सबसे टपक रहे हैं पसीने, और थोड़ी सी बदली टाइप की भी हो गई है लेकिन टेम्परेचर वैसे का वैसा ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे चली जाऊँ, लेकिन ठीक है यार, नीचे भी गर्मी है, किचन में अभी मुझे खाना बनाना है तो सीधे चलते हैं खाना बनाते हैं, ठीक है। और शाम हो चुकी है, लगभग 6:30 हो रहा है और मैं पूरा टाइम आज छत पे रही हूँ। सारा से पूछो, सारा कितनी देर छत पे, कब से छत पे हैं? सुबह से छत पे, और मेरे साथ सारा भी लगी है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली मुझे मेरी सारा है, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं नीचे, देखते हैं कुछ नाश्ता पानी बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी ये मेकअप नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सबका दिल है चाउमीन खाने का, तो मैं जा रही हूँ नूडल बनाने के लिए, तो नूडल बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ। गर्मी में आपको पता है नूडल बनाना कितना मेहनत का काम है। यहाँ पे बन गई है मेरी चाउमीन और बहुत गर्मी हो रही है, मेरा बार बार सब कुछ खुल खल गया है, बस ज़्यादा नहीं बनाइए, थोड़ी ही बनाइए क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी इतनी, बस शमा पे खाएंगी और दानिश भी नहीं खाएंगे इतनी। तो यहाँ पे बन गई है चाउमीन, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फटाक से चाउमीन निकालते हैं। हमसे सिर्फ चाउमीन कोई नहीं बना सकता, कभी आप लोग को इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी, बहुत बढ़िया चाउमीन बनाई है। ओके गाइस, खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो बस अब मैं आज का चैलेंज यहीं पे कंप्लीट करती हूँ गाइस, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, बड़ी गर्मी लग रही है मेरे ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा बीपी लो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो अभी खाना वगैरह सब बन गया है, बस कुछ नहीं बनाया, थोड़ी सी रोटी बना दिया और सब्ज़ी बना दिया, क्योंकि मेरा एकदम दिल नहीं था दाल चावल सब कुछ बनाने का, सिर्फ रोटी सब्ज़ी बना दी, वही सब लोग खा लेंगे। और गाजी खाना खा लिया है, मतलब रात का बज रहा है 11, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मेरा नहाने का दिल कर रहा है, इतना पसीना मैंने झेल लिया ना, मेरा नहाने का मन कर रहा है। बात करते हैं मेकअप की, तो मेकअप में सब कुछ
जैसे लगा था वैसे ही लगा हुआ है। कॉन्ट्रोरिंग वगैरह आप देख सकते हो सब कुछ अभी तक एकदम शार्प है। मैंने कोई भी टचअप वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठ के टचअप करूँ। ठीक है, और गाइस आप देख सकते हो ब्लश वगैरह सब कुछ, कॉन्ट्रोरिंग वगैरह सब कुछ पता चल रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर दो यार प्लीज़, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अफोर्डेबल में कितना अच्छा मेकअप, कितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप निकला। और ब्लश का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सारा शेड दे दिया है, ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा।